आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, 8 बार MLA रहे मुलायम सिंह यादव, 7 बार सांसद रहे मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, भारत के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें सभी दलों के लोग प्यार से नेताजी कहते थे। हमेशा जमीन से जुड़े रहे, लेकिन उनका कद आसमां से भी ऊपर था। आज सुबह 8:16 पर गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर बाई रोड स्पेशल एम्बुलेंस से सैफई ले जाया जा रहा है। नेताजी का कल सैफई में 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। तमाम नेताओं ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। हम लोग पास शब्द नहीं आज, हमने अपना व्यापक खो दिया आज। मुलायम सिंह जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा। गरीब किसान नौजवान ने अपने मसीहा को खो दिया है। हम सदा समन अपने नेता को समर्पित करते हैं। आप बहुत करीब रहे हैं मुलायम सिंह, कुछ ऐसी बातें जो होंगी जो आपको याद आ रही होंगी आज? मुलायम सिंह साहब दिल से जुड़ते थे और कार्यकर्ता को भरोसा रहता था कि हमारा नेता है, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। हम जैसे तमाम नौजवानों को विधानसभा पहुँचाया, मंत्री बनाया और संघर्ष के दिनों में मुलायम सिंह ने हमेशा हौसला बढ़ाने का काम किया। वो नेता मुलायम सिंह हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश और देश को हुआ मुलायम सिंह के न रहने का। नेताजी हर दल में प्रिय थे, हर गरीब किसान को अपना मसीहा मानता था। ऐसे नेता युगों युगों बाद पैदा होते हैं। मुलायम सिंह जी का न रहना देश और प्रदेश की बड़ी राजनीतिक क्षति है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन की खबर से हम सब बहुत ही दुखी हैं। प्रदेश और देश को अपूरी क्षति हुई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत उनके परिजनों को, परिवारजनों को, समर्थकों को ईश्वर प्रदान करें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व रक्षा मंत्री, दिग्गज राजनेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का लंबी बीमारी के बाद दुखद निधन हो गया है। वो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद, फिर लोकसभा के सदस्य रहे हैं। श्री मुलायम सिंह यादव जी दलीय सीमाओं से ऊपर उठ करके सभी राजनीतिक दलों के लगभग वरिष्ठ नेताओं से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। उनका निधन उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है। समाजवादी राजनीति के एक युग का अंत है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए उनका जो समर्पण का भाव रहता था, जो वह अपने शासन काल में दिखाने का भी काम करते थे, उनके निधन से दुखी हूं। और इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिजनों, उनके समर्थकों, जो इस समय शोक में डूबे हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह दुख सहन करने को उनको सामर्थ्य प्रदान करें। श्री मुलायम सिंह जी के दुखद निधन पर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने भी शोक प्रकट करते हुए 3 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की है और उन्हें अंतिम विदा देने के लिए भी जो कार्यक्रम होगा उसमें जो लोग जाएंगे उनके लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए
राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदा देने के लिए सरकार की ओर से निर्देश दिए हैं। आज बहुत ही दुख का विषय है कि उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। ये दुख समाचार है। एक जीवंत व्यक्तित्व का धनी, अपने कार्यकाल में बोल और सक्षम निर्णय लेने वाले, उनकी पहचान थी। ऐसे व्यक्ति का जाना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए एक दुखद अध्याय है। मैं उनको शत नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी नेता, किसान पुत्र, धरती पुत्र श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन से भारत की राजनीति को भारी क्षति हुई है। मैं श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के परिवार जनों को यह भारी दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव खबरों की तह तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।